अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आठ साल की बच्ची असिफा के साथ हुई दरिंदगी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसके केरोश में आज बठिंडा में आम जनता द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कही गई है। इस दौरान जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि जो आठ साल की बच्ची असिफा के साथ दरिंदगी हुई है, उस पर प्रशासन और सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। असिफा को इंसाफ दिलाने के लिए, साथ ही सोई हुई जनता को जगाने के लिए आज बठिंडा के समूह निवासियों द्वारा फौजी चौक से होते माल रोड आर्य समाज चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन तक इस कैंडल मार्च का कितना असर पड़ता है। पहली बात तो जो भी ये हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, ये कहना बिल्कुल मेरे को नासमझी लगती है कि बच्चों को कपड़े कैसे पहनने चाहिए लड़कियों को, या फिर उनको हमने प्रोटेक्शन के लिए ठीक है जूडो कराटे आने चाहिए। दूसरी बात, हम सरकारों को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि तीन साल की लड़की के लिए, पाँच साल की लड़की के लिए कौन सा कोड वर्ड यूज़ होगा, किसको वो फ़ोन करेगी, क्या साड़ी में वो रहेगी, कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, इससे हमारी घटिया से घटिया इंसान की मानसिकता, जो मानसिकता है उसकी मेंटेलिटी है वो जिम्मेदार है, उसको सुधारना होगा। कैंडल मार्च किया जा रहा है आपकी तरफ? कैंडल मार्च किया जा रहा है, आज रैली भी निकाली जा रही है बठिंडा में। ये एक तूफान है, एक ये तो अभी छोटा सा एक यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इतने बड़े स्केल पर यह सफ़र चलता रहना चाहिए कि हमारी पूरे जब एक लड़की इस धरती पर जन्म ले तो वो अपने मरते दम तक सुरक्षित रहे, और इस इंडिया की हर एक लड़की, क्या वर्ल्ड की हर एक लड़की सुरक्षित रहे। इसका धर्म के साथ, किसी सरकार के साथ कोई भेद नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान की आवाज़ है और इंसान के बचाव के लिए है। सुखराज कौर, की कहना चाहूँगा मैम, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं सुती कौम नू जगाण की कोशिश कर रहे हैं, जिहड़े लोग सौ चुके ने कि उन्हें जगाण की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उठो धियां भैणां का ध्यान रखो और कोशिश करो कि यह जी सज़ा मिले इन्हों जालमान को, दोबारा यह जहाँ जुल्म होवे ना साड़ी धरती। की काम की होया मैडम, मामला की होया? जो भी आसिफा दा नाल ना इंसाफी हुई है, जो भी उहदे लई उहनू इंसाफ नहीं मिल रहा, उहदे मुजरिम अजे भी बाहर फिर रहे ने, उस नूं लैके असीं सारे मार्च कैंडल मार्च कर रहे हैं। ये टीचर होम तो शुरू किया सीगा, ते सारे शहर च लै के फायर ब्रिगेड तक लै के असीं सारे शहर च सारे शहर में जागरूकता का संदेश दे के वापस फिर टीचर होम जा रहे हैं। की मांग करते हो प्रशासन को? प्रशासन का मांग करते हैं फांसी लगाओ इन्हों, फांसी फाहे दे दो फाहे। कैमरा मैन खान के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।